हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आप सभी का मैं विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन को शेयर करूँगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हमारी सोसाइटी, हमारे देश और हमारे खुद के जीवन में क्या प्रभाव है और किस तरीके से ये हम पर प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का जो शब्द है, ये शब्द सन 1700 शताब्दी में हमारी जान पहचान में आया। 1882 में एक प्रपोजल आया एडिशन के थ्रू। एडिशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था और इनके थ्रू एक प्रपोजल आया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। इसी साल एक फर्स्ट पावर प्लांट को भी इस्टेब्लिश किया गया कि फर्स्ट पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर फर्स्ट पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया। इसी साल अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1889 में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट किया गया जो 2 वर्ष का था। 1892 में, 1892 में इसे 4 वर्ष का कर दिया गया और हमारे विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये सन 2009 में स्थापित किया गया और तब से हम एक कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पर जो छात्र और छात्राएँ हैं ये यूनिवर्सिटी टॉपर और कॉलेज टॉपर के रूप में आ रहे हैं सन 2009 से 2020 तक। एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, बहुत पॉपुलर कोटेशन है, इस कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोटेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ द प्रोफेशन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ये एक इंटेलिजेंट पीपल का प्रोफेशन है जिनको सभी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में विधिवत ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th में यानी इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आगे स्टडी करना चाहते हैं या किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट होना या उसके इलाइट ब्रांच में अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्या हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के कारण क्या हैं? तो मैं आपको 3 कारण देना चाहूँगा। 3 कारण में पहला कारण यह है कि ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है और डिमांड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी जगह हो रहा है और अगर उसका कंजप्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जनरेशन भी बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन भी बढ़ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। अगर ये 3-4 चीज़ें बढ़ रही है, एप्लीकेशंस भी बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है। दूसरा मैं आपको देना चाहूँगा कारण कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर वहाँ का विकास हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस, एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ पर भी रोल आता है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप वहाँ भी सेवा दे सकते हैं। तीसरा आपको सबसे महत्वपूर्ण कारण देना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में और इस समय जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जो खोजें हो रही हैं, उसमें सभी में हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे हम लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं और अपने लाइफ को इजी कर रहे हैं। तो फ्यूचर स्कोप भी है इसमें, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आप इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ एलाइड ब्रांचेस हैं, कुछ रिलेटेड डिसिप्लिन हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। वैसे तो सारी ब्रांचें एक दूसरे से संबंधित हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल जहाँ जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ ब्रांचेस के नाम यहाँ पर शो करना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में जितने भी नेटवर्क, टावर और ये सारी चीज़ सारे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में भी ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में
भी जरूरत पड़ती है, पावर इंजीनियरिंग में भी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर साइंस में भी जरूरत पड़ती है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, नेटवर्क इंजीनियरिंग हो गई, हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो गई, इसमें सभी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप जॉब कर सकते हैं और आपकी ज़रूरत है वहाँ पर। कुछ टिपिकल जॉब टाइटल्स हैं जिस जॉब टाइटल्स पे आप इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, ये इन्हीं जॉब टाइटल्स पे ही आपको जॉब मिलेगी। आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद, बीटेक करने के बाद। डिज़ाइन इंजीनियर का मतलब होता है आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर, आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स के, पर्टिकुलर लाइन के, फील्ड के, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हो, उसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं, चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है क्वालिटी कंट्रोल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेवलपमेंट इंजीनियर हैं, रिलायबिलिटी इंजीनियर हैं, रिसर्च इंजीनियर हैं, सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर हैं, फील्ड इंजीनियर हैं, टेस्ट इंजीनियर हैं, सेल्स इंजीनियर हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि जितने भी महारत्ना हैं, नवरत्ना कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एक खास बात यह है कि इन सभी में आपको जॉब पाने के लिए गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गेट का एग्ज़ाम आपके चौथे साल होता है, जब आप चौथे साल पहुंच जाएंगे, फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे, फाइनल ईयर में बीटेक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब आपका गेट का एग्ज़ाम होगा और उसके थ्रू आप इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब पा सकते हैं। ये जो महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज है, इसमें कुछ कंपनी के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने कई बार रेडियो सुना होगा, जो ऑल इंडिया रेडियो संबंधित है। दूरदर्शन भी जानते होंगे आप, इस पर पहले अक्सर क्रिकेट मैच वगैरह, अब ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और भी अदर प्रोग्राम्स आते हैं, अभी हाल ही में रामायण और महाभारत के प्रोग्राम भी इस पर आ रहे थे। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का नाम सुना होगा, जो भारत में वेपन्स वगैरह से डील करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बहुत बड़ा आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ही संबंधित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में भी आप जानते होंगे और हमारे कॉलेज के पास में ही HAL है, आप ये भी हमारे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये ट्रांसमिशन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित संस्था है, जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में, जनरेट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में का काम करती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्रांसमिशन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है और ये एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, इन जो जॉब टाइटल्स आपको मेंशन की गई हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी लैब्स हैं। लैब्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो इतनी भी लैब हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो सभी वेल इक्विप्ड हैं, फुलफिल हैं, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स को पूरी तरीके से संतुष्ट करती हैं और यहाँ लैब पैनल्स कुछ दिए गए हैं, जो मशीन पैनल्स हैं जिनके थ्रू मशीन की ऑपरेटिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑपरेशन एंड अदर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और ऑब्जर्वेशन करके मशीन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें सीखेंगे, सारे लैब्स में सारे प्रैक्टिकल, पूरी थ्योरी आपकी कॉन्सेप्ट के रूप में कन्वर्ट होगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर ECN लैब दी गई है। ECN लैब में आपको कुछ पैनल्स वगैरह डिज़ाइन दिखाए गए हैं, सर्किट डिज़ाइनिंग वगैरह दिखाई गई है। एक फोटोग्राफ में आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फोटोग्राफ्स है आपकी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप देख सकते हैं। और कुछ लैब्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है, कंट्रोल सिस्टम लैब है, पावर सिस्टम लैब है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट लैब है, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में ही आती है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट लैब है, मैट लैब है, नेटवर्क लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, माइक्रो प्रोसेसर लैब है, माइक्रोवेव लैब है, DLD लैब है। तो ये सारी लैब्स जो हैं ये सब आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती हैं और इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। आगे देखते हैं प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट में हमारे यहाँ सेकेंड ईयर से ही हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाता है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और उनको फाइनल ईयर तक आकर उनको किसी न किसी रेप्यूटेड कंपनी में प्लेसमेंट दिला दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो प्लेसमेंट है एक तरीके से 100% प्लेसमेंट है और हम कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को प्लेसमेंट्स हो सभी डिपार्टमेंट में। हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट का कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो आपके सामने दी गई हैं, रॉयल इनफील्ड और एयर सर्विस, इन सारे कंपनीज रिप्यूटेड कंपनीज में प्लेसमेंट्स आपके सामने, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये इसमें दिख रहा है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स के बारे में और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेसमेंट्स में हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसमें सत्येंद्र, छाया, आकृति, आरती, नियाज अहमद, जो टेक्नो एयर सर्विस में सर्विसेज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। कुछ बच्चे और हैं जिनका भी टेक्नो एयर सर्विसेज में प्लेसमेंट हुआ है, जैसे हर्षिता, शुभम, रामानुज, प्रदीप, अनिल गुप्ता, इनका भी टेक्नो एयर सर्विस में प्लेसमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग देखें तो कुछ प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड यहाँ पर भी मैं हम लोग शो करते हैं। टॉप 10 प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जैसे तपेश्वरी, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका टेक्नो एयर सर्विसेज में प्लेसमेंट हुआ है। हर्ष आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हैं, इनका रॉयल इनफील्ड में प्लेसमेंट हुआ है। शोभित आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हैं, इनका भी रॉयल इनफील्ड में प्लेसमेंट हुआ है। विकास गुप्ता ये फाइनल ईयर के टेक्नो एयर सर्विस में प्लेसमेंट हुआ है। और रश्मि ये फाइनल ईयर के एडिशन टेक्नोलॉजीज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। और 90% स्टूडेंट जो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के वो प्लेस्ड हो चुके हैं। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ टोटल 10 ग्रुप्स बने हुए हैं, और इन 10 ग्रुप्स में मैं आपको एक एक ग्रुप के बारे में बताता हूँ कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहला ग्रुप जो है वो मैटलैब बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें आकृति, हर्षिता और अनिल लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट लगभग लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। ग्रुप टू में अगर देखें तो ये पावर हब की वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें छाया, आरती और रश्मि काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ग्रुप थर्ड में अगर हम लोग देखें तो मोबाइल कंट्रोल लैपटॉप में ये काम कर रहे हैं, इसमें अरशद हैं, फैज सलमान हैं और शिवम पांडे हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने का सिस्टम में अगर देखें तो इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप 4 है ये, दिनेश, सूरजभान और विकास ये काम कर रहे हैं। ग्रुप 5 में अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक एंकर लाइट में फर्स्ट निजामुद्दीन का वर्क कर रहे हैं, राजू कुमार कर रहे हैं, नीरज कर रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रुप 6 की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द साउंड एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको आप किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके और इसके बाद आप फिर से किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी एक सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि जिससे आप हीटर से हीट ले सकते हैं, होम थिएटर से म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट बल्ब से लाइट ले सकते हैं, लेकिन किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हमारा ग्रुप 6 का बन रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम साउंड एनर्जी से बन रहा है, और मुकेश गुप्ता, रामानुज और विनय इस पे काम कर रहे हैं। ग्रुप 7 में अगर हम लोग देखें तो कार नंबर डिटेक्शन यूजिंग सिमुलिंक, इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, पंकज काम कर रहे हैं, शुभम पांडे काम कर रहे हैं और उपांशु तिवारी काम कर रहे हैं। ग्रुप 7 का प्रोजेक्ट है ये। ग्रुप 8 में देखें तो मोबाइल कंट्रोल रोबोट है, जिसमें नियाज अहमद काम कर रहे हैं, सोनू दिवाकर काम कर रहे हैं और विनीत काम कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप 9 है और ग्रुप 10 है, जिसमें ग्रुप 9 में सब स्टेशन डिजाइन यूजिंग इलेक्ट्रिकल कैड हो रहा है, इसमें तपेश्वरी, अनामिका ये लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप 10 में जीएसएम टेक्नोलॉजी बेस्ड इफेक्टिव स्विचिंग के काम है, इसमें भी आपके बच्चे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू आवर मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली देखिए, लाइट बल्ब से अगर शुरुआत की जाए तो लाइट बल्ब से टेलीफोन, टेलीफोन से सेलफोन से जीपीएस, और मॉडर्न एडवांसमेंट में अगर देखें तो इल्यूमिनेटेड इंफॉर्मेशन टू कनेक्टेड द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोग को किसी भी सोसाइटी को मॉडर्न बनाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड बनाने के लिए। तो अभी हम लोग का लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसरो के द्वारा चल रहा है गगनयान प्रोजेक्ट, ये 2022 में सफल होगा। इसमें करीब 3 से 4 लोगों को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के थ्रू ले जाया जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को, और वहाँ पर 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा। अगर ये सफल होता है तो हम पूरे संसार में 4थे ऐसे देश बन जाएंगे जो गगनयान जैसे प्रोजेक्ट को सफलपूर्वक फलीभूत किए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ इन्वेंशंस जो हो चुके हैं और अगर ये मार्केट में आते हैं तो इनका क्या इफेक्ट होगा। आप देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का अभी लेटेस्ट आप एग्जांपल देखेंगे तो वीज़ा कार्ड क्या है कि ये आपका टोटल मैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन है और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड इसी पे प्रोजेक्ट बनेगा लगभग लगभग से मिलता जुलता। बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन में देखेंगे तो ये पूरा बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन है, इसमें बहुत से जो वोट खराब हो जाते थे या फिर फर्जी हो जाते थे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम लोग हर व्यक्ति अपना खुद का मतदान दे सकता है और ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने कभी ना कभी ई रिक्शा में सफ़र किया ही होगा। ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करता है, मोटर बेस्ड होता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं।
फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो फ्यूचर में आप एक होलोग्राफिक डिस्प्ले पे स्मार्टफोन देख सकते हैं, जिसमें किसी भी बेस डिस्प्ले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। द फ्यूचर स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हैं टोटली टचिंग बेस्ड एंड सेंसर बेस्ड होगा। ड्रोन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फोटोग्राफी के काम आता है, सर्विलांस वगैरह के काम आता है। आपने ड्रोन को कई बार देखा होगा किसी भी फंक्शन वगैरह में, शादी विवाह के समारोह में। आगे देखते हैं सैटेलाइट विल ड्राइव आईओटी कनेक्शन के बेस पे हम लोग सैटेलाइट कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसे लो कॉस्ट हाई स्पीड एवर प्रेजेंट द कनेक्टिविटी कैन बी रियलिटी विद न्यू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दैट द रैपिडली चेंज द कम्युनिकेशन सेक्टर। हम लोग बहुत से ऑपरेटर्स अप्लाइंसेस एंड मशीनरी को आईओटी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एम्बेडेड करके किसी भी रिमोट लोकेशन या किसी भी लोकेशन से कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें होंगी सैटेलाइट विल ड्राइव द आईओटी कनेक्शन बेस। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको ये चीज़ देखने को भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बायोफेस रिकॉग्निशन फॉर द बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अभी आप फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते होंगे, बहुत लोग यूज़ करते होंगे। इसमें आपने देखा होगा कि फेस से ही हम लोग मोबाइल को अनलॉक एंड लॉक कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में या फिर बहुत बहुतायत रूप में यूज़ होगा सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। आइए आगे देखते हैं बायोनिक आई कॉन्सेप्ट है। आई लॉस के कॉन्सेप्ट में हम लोग बायोनिक आई का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बायोनिक आई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत मेजर योगदान है बायोनिक आई के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें आई साइट को दोबारा लाया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बायो इलेक्ट्रॉनिक आई को रिप्लेस करके नेचुरल आई की जगह पर, जो कि आई साइट की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, आई साइट की प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। टॉपर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स एंड कॉलेज टॉपर्स है, 2015 टू 2019 का रिकॉर्ड हम आपको शो करते हैं। ये हमारा 2015 टू 2019 के टॉपर्स हैं। पहला मान रस्तोगी ऋषभ दीक्षित देवेंद्र शर्मा, 2016 में नेहा त्रिपाठी, 2017 शिवानी मिश्रा सेवता सिंह, और 2018 अंश कुमार संजय कुमार, 2019 कृतिका गुप्ता एंड अभिलाष त्रिपाठी। ही दे आर द टॉपर ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और यूनिवर्सिटी टॉपर भी हैं और कॉलेज टॉपर भी हैं। इसी तरीके से हम लोग पूरा योगदान दे रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से टॉपर्स की लिस्ट निकलती है, और इससे हम लोग कई चीज़ों पर निर्णय भी ले सकते हैं कि किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम पर हम लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग की पढ़ाई होती है, क्या एग्ज़ाम होता है, कितनी प्रिपरेशन कराते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आते हैं। फर्दर स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ब्रांच, आप यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स का मतलब मैटलैब हो गया, प्रोटस हो गया, ईएमटीपी हो गया, ईटैप, वर्कबेंच, सिमुलेशन, पीएसपाइस एंड अदर सॉफ्टवेयर्स जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो भी सीख सकते हैं। दूसरा आपका ये है कि इसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में सीख सकते हैं, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में सीख सकते हैं, और न्यूमरस वेरी फील्ड हैं जिनको हम लोग विजिट कराते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह कराते हैं। आप इनके बारे में भी जान सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह में जाकर। आगे देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जो टोटली आईओटी बेस्ड है। पावर जनरेशन के लिए हम लोग ट्रेंडिंग पावर जनरेशन में आ रहे हैं, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट के ऊपर आ रहे हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं जो टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड है। बायोनिक आई के कॉन्सेप्ट में आते हैं, बायोनिक आई भी टोटल बायो इलेक्ट्रिक आई है जिसमें आप आई साइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आप भली भांति परिचित है इससे, लेकिन इसको हम लोग हाई एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप स्काडा वगैरह जो है मशीन लर्निंग से संबंधित, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत मेजर रोल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी जानते हैं हम लोग। स्मार्ट ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो ये टोटली आईओटी बेस्ड है। इसमें सारे अप्लाइंसेस जितनी भी इंडस्ट्री, होम एंड पावर जनरेशन, पावर प्लांट, एनर्जी स्टोरेज प्लांट, स्मार्ट बिल्डिंग्स, ये सभी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड हैं। और इसमें क्या है कि आप सारी चीज़ों का जो कंट्रोलिंग हैंड एंड ऑपरेशन है वो किसी भी एक रिमोट लोकेशन से कर सकते हैं जो कि आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो।
न्यू ट्रेंड्स इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में न्यू ट्रेंड की अगर हम बात करें तो न्यू ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि अभी तक हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट में जनरेट हो रही है, 67% इन इंडिया जनरेट हो रही है। इसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोयले को जला कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जिससे पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा फैलता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इनका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी, और इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि आप इस सेक्टर में आप आगे आएँ और अपने अपना कैरियर बनाएं और सोसाइटी और कंट्री को अपना एक अभूतपूर्व योगदान दें। धन्यवाद। थैंक यू सर।